अभी जो फिरोजाबाद में एम्पायरिंग करके आया, उस एम्पायरिंग में मैंने ये महसूस किया कि बच्चे अंडर 19 खेल रहे हैं, और अंडर 19 से पहले वो अंडर 14 भी खेले होंगे, 16 भी खेले होंगे। उनके कोच ने उनको ये तक नहीं बताया कि आपको एम्पायर को बॉलिंग करने से पहले क्या बताना है। कुछ को तो यही नहीं पता था राइट आर्म लेफ्ट आर्म बताना है, कुछ को ये पता भी था राइट आर्म लेफ्ट आर्म बताना, तो ये नहीं पता था कि साइड ओवर द विकेट कौन सी है, राउंड द विकेट कौन सी है। फिर किसी को ये भी पता थी कि साइड भी और आर्म भी, तो वो ये और बताते थे कि जी मैं लेग स्पिन डालूंगा, मैं ऑफ स्पिन डालूंगा। अरे भाई, तुमने लेग स्पिन डाली और वो नहीं हुई तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ दो ही बात बतानी है, जो भी बच्चा खेल रहा है उसको सिर्फ दो बात बतानी है। एक अपना हाथ बताना कि कौन सा हाथ से बॉल डालनी है, एक ये बताना कि आपको कौन सी साइड से बॉल डालनी है। उसके अलावा आपको ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं फास्ट बॉलर हूँ या मैं स्पिनर हूँ या मैं लेग स्पिन डालूंगा या मैं गूगली डालूंगा। तो इन चीज़ों को सभी कोचों को अपने बच्चों को बताना है कि आप जब बॉलिंग करने जाओ तो अपने बच्चों को ये बताएं कि आपको एम्पायर को बताना क्या क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो बैट्समैन है, जब उसको एम्पायर बताता है कि लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तो वो उसकी रिप्लाई नहीं देते ना, वो उस बात पे ध्यान देते कि बॉलर कौन से हाथ से बॉल डालेगा, कौन से नहीं डालेगा। क्या फिर उसके बाद आप बैटिंग करोगे कैसे? आप इस चीज़ को देखोगे कि बॉलर का कौन सा हाथ मुझे रीड करना है? फिर आप क्या उसकी ग्रिप देखोगे, क्या कुछ देखोगे? आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता इस चीज़ में कि जो एम्पायर बता रहा है वो सिर्फ ना तो वो कीपर के लिए बता रहा, ना वो फील्डर्स के लिए बता रहा, ना वो बॉलर के लिए बता रहा, ना वो दूसरा एम्पायर है उसके लिए बता रहा। चलो 1% मान भी लेते हैं कि दूसरे एम्पायर को भी बता रहा है, क्योंकि दूसरे एम्पायर को नो बॉल भी देनी है कि वो राइट आर्म बता के लेफ्ट आर्म से ना डाल दे। लेकिन मेन मेन मकसद है कि आपको मेन बैट्समैन को बता रहे हैं कि आपको बॉल जो बॉलर डालने आ रहा है वो क्या डालेगा, आपको क्या रीड करना है, उसके हाथ चेक करना नहीं करना। तो ये भी आपको कोचों को बताना चाहिए कि भाई हम लोग जो है, जब एम्पायर आपको बताए तो उसको ध्यान से सुने, उसकी रिप्लाई भी दें एम्पायर को कि हाँ मुझे आपकी बात ठीक से सुन गई है, मेरे को समझ में आ गई है। जो पूछा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने मैच खेलना स्टार्ट करा और कुछ बच्चे आए, उन्होंने पूछा सर कौन सा ओवर चल रहा है, मैंने बताया भाई 43 चल रहा है। तो उस टाइम मुझे ये पता चला कि ये जो बच्चे फील्डिंग साइड वाले हैं, इनको ये ही नहीं पता कि आपका कितने ओवर का मैच है। जब मैंने पूछा कि उनको बताया कि 43 ओवर कंप्लीट हो गए, तो वो मेरे से पूछे सर कितने ओवर और बच रहे हैं। भाई हद कर दिया, 45 ओवर्स का मैच, आपको स्टार्टिंग मैच स्टार्ट होने से पहले अपने कोच से पूछना चाहिए था कि आपका कितने ओवर का मैच है। आप अंडर 19 खेल रहे हो, अंडर 19 खेल रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हम मैच खेलने जा रहे हैं, कितने ओवर का हमारा मैच है, उसके हिसाब से आपको रणनीति बनानी होनी चाहिए। आप आ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ 43 ओवर्स हो गए, और आप फिर भी ये पूछ रहे हो कि कितने ओवर और बचे हैं। कॉमन सेंस की बात है कि 45 का मैच, अगर आपने शुरू में ही अपने कोच से पूछ लिया था कि 45 का मैच है और मैंने आपको बताया 43, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए दो ओवर बचे हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, अंपायर से आके पूछते हैं जी कितनी गेंद हो गई। बड़े नॉर्मल सी बता रहा हूँ मैं, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, ये बहुत छोटी सी नॉर्मल सी बात है भाई। एक बार एम्पायर ने ओवर बोला तो इसका मतलब ओवर के बाद जो बॉल डल रही है साइड चेंज हो गई है, तो उस साइड से अगर आप अलर्ट हो तो आपको पता चलना चाहिए कि अलर्ट हूँ तो वो अभी साइड चेंज होगी, तो इस ओवर से जो ये पहली डल रही है ये पहली गेंद है। चलो पहली गेंद के बाद आप भूल गए कितनी गेंद हो गई है, तो एक दो गेंद का सब्र कर लो। क्यों सबके सामने अपने आप को बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश करते हो कि हमें कुछ भी नहीं पता? अगर आपको नहीं पता ये दूसरी गेंद है, तीसरी गेंद है, तो दो गेंद चुप रह जाओ। चौथी गेंद पे एम्पायर दूसरे एम्पायर को ऐसे दो उंगली का इशारा करेगा, दो उंगली का, कि दो गेंद बच रही है, तो आपको पता चल गया चौथी है। चलो फिर भी आपसे ये मौका चूक गया तो एक गेंद और इंतजार कर लो। फिर पाँचवीं गेंद पे एम्पायर इशारा करेगा कि एक गेंद बच रही है। फिर भी आपसे ये मौका चूक गया तो छठी गेंद का इंतजार कर लो, उसके बाद एम्पायर बता देगा कि और हो गया। भाई हद है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चों का क्रिकेट में, नहीं तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद बच्चे ये पूछते हैं बैट्समैन से, फील्डिंग टीम वाले, भाई राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? कोई लाखों में एक बच्चा रॉन्ग ग्लव्स पहन के आ जाएगा, नहीं तो सभी बच्चे अपने ग्लव्स पहन के आते हैं और सही हाथ के ग्लव्स पहन के आते हैं। अगर आपको ये पता करना है तो आप मूर्ख हो जो आप उससे पूछ रहे हो।
आप अपने आप देखो कि उसके कौन से ग्लव्स के हाथ में अंगूठा है। एक अंगूठे में पैड नहीं होगा, एक अंगूठे में पैड होगा। जिस अंगूठे में पैड है समझ लो वो बैट्समैन, अगर राइट हैंड में पैड है पांचवें अंगूठे में तो समझ लो राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड में है तो समझ लो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ऐसे अंडर 19 के बच्चे अगर ये सवाल पूछते हैं तो मुझे उन कोचों पे शर्म आती है कि जो कोच अपने बच्चों को ये बात भी नहीं बता के आते कि आपको अंपायर से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। हद है, ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खिलाड़ियों का इंटरेस्ट ही नहीं है। एक खिलाड़ी, सर मेरे कितने ओवर हो गए? भाई मैं अगर तुम्हारी जगह बॉलर होता तो मैं कैलकुलेट रखता कि मैंने कितने ओवर डालने हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन होने के लिए मुझे कितने विकेट के लिए ज़रूरत है, क्या मेरा सिलेक्शन रन्स के आधार पे होगा या मेरा सिलेक्शन विकेट के आधार पे होगा। और बैट्समैन पे भी सेम नियम है कि बैट्समैन को भी पता होना चाहिए कि मैं जो बैटिंग कर रहा हूँ मेरे कितने रन हैं, कितने रन्स पे मुझे वापस बुला लिया जाएगा या कितने रन तक मुझे बैटिंग कराई जाएगी, मेरा नॉट आउट रहने में वो है, मेरे को रन भी सिंगल डबल निकालने, ये सब कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। बच्चों को चलो गेंद याद नहीं है कि मैंने एक गेंद डाल दिया है, मेरी कितनी गेंद बच रही हैं। वैसे तो मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चा सीरियस है उसे बॉल टू बॉल याद रहेंगी कि मेरी पहली बॉल पे मेरा एक रन गया, दूसरी गेंद मेरी वाइड होगी, तीसरी गेंद भी मेरी वाइड होगी और मेरी पांच गेंद हो गई, मेरे ओवर में कितने रन गए, और मैंने ये बच्चे के जो है माइंड में बिल्कुल प्रिपेयरिंग होनी चाहिए। और मेरे तीन ओवर हो गए या चार ओवर हो गए सब चीज़ एम्पायर से पूछते हैं। आपके मम्मी पापा आप पे कैसे गर्व करते हैं और कैसे आपको बुद्धिमान बताते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें। फिर आपका मैंने देखा कि बच्चों को बोर्ड ट्रॉफी खेलनी है, इंडिया खेलना है, फील्डिंग का लेवल एकदम जीरो, अंडर 14 के बच्चे अंडर 19 के बच्चों से अच्छी फील्डिंग करें, ऐसा मैंने अपनी जो एम्पायरिंग करी है अभी उनमें ये मैंने महसूस किया कि एकदम जीरो लेवल। और ऐसा भी महसूस किया कि कुछ बॉलर्स दूसरे बॉलर के कैच जानबूझ के छोड़ देते हैं, बड़ी गंदी सोच है। आप कैच लो दूसरे को विकेट मिल जाएगा, लेकिन आपको आप भी तो अच्छी कैच लोगे, आपका भी तो नाम होगा उसमें लिखा जाता, आपका भी नाम लिखा जाता है कि उस खिलाड़ी ने कैच लिया। बहुत सही, मैंने इस जो अभी एम्पायरिंग करी इसमें ऐसी ऐसी गलतियां देखी बच्चों की और मुझे ये लगा कि इन बच्चों को ये चीज़ें बताई नहीं। और सब कितनी बढ़िया बात बताता हूँ, ये रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं पता, हर ओवर के बाद बच्चे बिल्कुल, अरे इतनी बड़ी धरती है, 70-70 मीटर की बाउंड्री हैं, आप कहीं भी खड़े होकर बात कर सकते हो। लेकिन मैंने तमाम बैट्समैनों को 99% बैट्समैन को जैसे ही ओवर ख़त्म हो जाए तो पता नहीं उनको क्या चीज़ मिलती है, बिल्कुल विकेट के बीच में आके खड़े होकर बातें करते हैं। भाई विकेट के ऊपर नहीं खड़ा होना होता है, फिर रनिंग बिटवीन द विकेट करेंगे तो दोनों एक ही साइड करेंगे। अरे भाई एक को अपने जो है स्ट्राइकर को किस साइड दौड़ना है, नॉन स्ट्राइकर को किस साइड दौड़ना है यही नहीं पता, दोनों एक ही एंड पे दौड़ते रहते हैं एक साइड पे, मतलब अरे एक पिच के इस साइड दौड़ो एक पिच के इस साइड दौड़ो, दोनों तय कर लो चीज़ें, बिल्कुल भी ना तो रनिंग बिटवीन, डेंजर जोन नहीं पता। डेंजर जोन के लिए टोक तो आंसर आ जाता जी आज से पहले तो हमें किसी ने नहीं टोका। भाई डेंजर जोन के लिए आज से पहले किसी ने टोका या नहीं टोका, अगर सही एम्पायरिंग कर रहे हैं तो हम तो टोकेंगे आपको। डेंजर जोन आपको सभी कोचों को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि डेंजर जोन क्या होता है, डेंजर जोन नहीं पता। मुझे बहुत बड़ी कमी लगी, कोई भी बॉलर बॉल बनाने का इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने जब भी ट्रायल मैचेस देखे, इस ट्रायल मैचों में मेरे को ऐसा लगा कि 11 के 11 एक कैप्टन को छोड़ के बाकी सभी जो हैं फील्डर्स जो होते थे वो बॉलर होते थे, और बॉलर कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉल बनाने में, बॉल शाइन ही नहीं करते, बॉल बनानी नहीं आती, शाइन करना तो बहुत दूर की बात है, उनको बॉल बनानी नहीं आती। कैसे क्रिकेट खेलोगे यार आगे, कैसे स्विंग कराओगे, क्या कुछ भी बिल्कुल नथिंग। मुझे बड़ा स्टैंडर्ड डाउन लगा, और अगर इन स्टैंडर्ड के साथ आप ये सोचते हो कि हम इंडिया खेलेंगे तो बिल्कुल भूल जाओ, बहुत ही गंदी बात है कि आपको ये नहीं पता कि बॉल शाइन कैसे करनी है,
नहीं फील्डिंग प्लेसमेंट नहीं पता। मैंने ऐसे मैच कराए हैं उन बच्चों को टोका भी है, दूसरे एम्पायर ने भी टोका है, हमने कहा भी कि इस सेट जो लॉन्ग ऑन था इस एंड पे वही लॉन्ग ऑन उस एंड पे जाएगा और फिर अगले ओवर में उस लॉन्ग वहाँ से फिर वापस इस पे आएगा। मतलब उस आदमी के तो भाई 300 सूट लग गए और वो भी कितने के 70 दुनी 140 और 20 160 मीटर के उसके सूट लगवाने हैं भाई। उसने कैप्टन को नहीं पता किसको कहाँ चेंज करना, इस एंड से उस एंड, उस एंड से इस एंड, स्क्वायर फाइनल लेग को उधर, भाई हद है। फील्ड प्लेसमेंट समझो कि कम से कम टाइम में आपको फील्ड को चेंज करना है और कम से कम थकाओ ना अपने फील्डर्स को। ये फील्ड प्लेसमेंट भी कैप्टन वो बनाने चाहिए जिनको फील्डिंग लगानी आती हो, फील्डर्स को चेंज कम से कम ताकत में उनको चेंज कर दे। फिर अब कमांड नहीं आता उनको, कैप्टन आप हैं, कीपिंग कीपर एम्पायर वो कर रहा है कैप्टनशिप, कैप्टन आप हैं, स्लिप वाला भी कैप्टनशिप कर रहा है, स्क्वायर लेग वाला भी कैप्टनशिप कर रहा है, फाइनल लेग वाला भी कैप्टनशिप कर रहा है। अरे एक मैच में आपको कैप्टन बना दिया गया तो आपको कैप्टनशिप, आपका होल्ड, आपका कमांड इतना होना चाहिए कि आपके अलावा कोई और बीच में वो ना करे। पता नहीं पाँच पाँच छः छः एक कैप्टन है, पाँच पाँच छः छः आदमी उसमें कैप्टनशिप कर रहे हैं। बहुत ही गंदी डिसिप्लिन है ये। इन चीज़ों पे सभी कोचों को और सबको इस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको इंडिया खेलना है तो आपका जो है आईक्यू बड़ा हाई होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको आपका खुल सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये सब चीज़ें मुझे पता हो। मैं जितनी भी जगह मैच में गया हो सकता है सबको बुरा लगे, लेकिन भाई बुरा लगे तो 100 बार लगे, मैंने ये महसूस किया जितने भी बच्चे आए सब UPCA पे डिपेंड होके आए कि हमें नाश्ता वहाँ मिलेगा। अरे तुम्हारे बच्चे घर से जा रहे हैं, उनको ना तो तुमने फल देके भेजा, ना इलेक्ट्रोल देके भेजा, ना ग्लूकोज देके भेजा, ना फ्रूट देके भेजा, और तो और हद जब हो गई। वैसे तो माँ माँ माँ, और वैसे माँ ने किसी भी बच्चे को नाश्ता तक करा के ना भेजा। मैंने हर उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेके पूछा, बेटा घर से नाश्ता करके आए हो? सब ने कहा जी नहीं। हद है, आप माँ हो अपने बच्चे को घर से नाश्ता करा के भेजो, उसे सब जगह नाश्ता मिलेगा, सब जगह अच्छा मिलेगा, घर से अच्छा करके चलेंगे सब जगह अच्छा होगा। तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि आपको नाश्ता वहाँ मिलेगा, लेकिन बच्चा तो आपका ही है ना, घर से भी नाश्ता करा के भेजो, घर से बिल्कुल खाली पेट ऐसा ना करें। सभी बच्चों के माँ बाप से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर आप बिना नाश्ता कराए भेज रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। आपका होना और ना होना उनके लिए बराबर है, फिर तो वो UPC के ऊपर पल रहे हैं, आपके ऊपर नहीं पल रहे। आप जब 365 दिन उनको नाश्ता खिला सकते हो तो 2 ट्रायल मैच में भी आप उन्हें नाश्ता करा के भेज सकते हो, वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, अलग बात है। आप भी तो करा के भेजो, भूखे पेट बच्चे आ जाते हैं। बस यही कहता था कि आपको नाश्ता करा के भेजना चाहिए। बच्चा घर से चला, बच्चा सुबह आपके घर में, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे की है मैच में, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे की मैच में है, तो आपका बच्चा नोएडा से आ रहा है, बुलंदशहर आ रहा है, कितने 2 घंटे कम से कम हम मान के चलो। फिर वो घर में उठा भी होगा, नहाया भी होगा, धोया भी होगा, ब्रश वगैरह भी फ्रेश भी होगा, 1 घंटा पहले वो उठा भी होगा। 7 बजे पहुँचने की जगह मतलब आप 5 बजे घर से चले, 5 बजे का मतलब आप घर में 4 बजे उठे, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका बच्चा बिना नाश्ता करे हुए आ रहा है। किसी वजह से वो रास्ते में कोई लेट हो जाए तो वो यहाँ आके नाश्ता नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पे आके मैच स्टार्ट हो जाएगा और आते ही वो मैच में लग जाएगा। कितनी बुरी बात है। आप हमेशा अपने बच्चे को 1 रात पहले जाके उसके लिए फ्रूट ला के रखो कि भाई आपको ये फ्रूट ले जाने हैं। घर में किसी वजह से सुबह नाश्ता ना भी बन पाए तो बच्चा रास्ते में फ्रूट खा ले, उसके इलेक्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें उनकी, और फर्स्ट एड भी आपको मिलेगा UPCA की तरफ से, लेकिन आपको भी अपना फर्स्ट एड उसके बैग में होना चाहिए। ऐसी चीज़ें तो आपको करनी चाहिए। 1 रात पहले कितना लगता है यार, इतना पैसा खर्च करते हो बच्चों के ऊपर, 100 रुपये के फ्रूट आप 1 रात पहले ला के रख दो। आपकी वाइफ सुबह नाश्ता ना भी बना पाए तो आप जो है सुबह वो बच्चा रास्ते में उस फ्रूट को तो खा सकता है, और रेशेदार फ्रूट ला दें आप, जैसे मौसमी हुआ, केला हुआ, तो वो बच्चा रास्ते में खा ले। प्लीज़ इस बात पर ध्यान दें, बच्चों को सुबह नाश्ते के लिए फ्रूट और सुबह नाश्ता बना दें। आपकी वाइफ नाश्ता नहीं भी बना सकती तो आप उसके चने भिगवा दें, बादाम भिगो दें, कोई ऐसी चीज़ें करें यार। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, इम्पोर्टेंट बात है समझो, बहुत सारे बच्चे चप्पल में आ रहे हैं घर से।
उन्हें ऑटो बदलना है, रास्ते में कोई बात है, इंप्रेशन गंदा पड़ता है, अरे आप घर से आ रहे हैं, बढ़िया जूते पहन के आइए, बढ़िया जूते पहन के बच्चों को अपने घर से भेजें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। बच्चों को चप्पल में ना भेजें, कहीं भाग ना पड़ जाए, चप्पल पैर से निकल जाए, है ना। कोई भी बात हो तो आप अपने बच्चों को जब भी घर से भेजें, मैच में भेजें, तो आपके कोच, आपका जो सेलेक्टर है, आपके जो सब हैं, उन पर इम्प्रेशन पड़ता है कि कौन बच्चा चप्पल में आया है, कौन बच्चा शूज में आया है। शूज़ का आपका जो है ट्रायल मैचेस वाइट ड्रेस में होते हैं, तो आपके वाइट शूज़ होने चाहिए, किसी के काले हैं, किसी के कुछ है, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, सोच पे फ़र्क पड़ता है। तो आप वाइट शूज़, वाइट सॉक्स ये पहना के भेजें बच्चों को। पहले मैच में भी वही कपड़े पहने होते हैं, अगले मैच में भी वही कपड़े पहने हुए हैं, आप उन कपड़ों को धो के भेजें, इम्प्रेशन पड़ता है इन चीज़ों का कि आप साफ़ कपड़े पहन के आए हैं, धुले हुए कपड़े पहन के आए हैं, पिछले मैच के कपड़े आप अगले मैच में भी पहने हुए, पहचाने जाते हैं, उन पर निशान होते हैं, पहचान जाते हैं, तो थोड़ा सा उनका टर्न आउट जो है वो बड़ा ऊँचे लेवल का होना चाहिए, उनकी मानसिकता भी फिर ऊँचे लेवल की होगी। इस बात के लिए माँ बाप को ही ध्यान देना होगा। ठीक है, बच्चे 19 साल के हो गए, मैं तो ये मानता हूँ 18 साल का बच्चा अगर देश की सरकार चुनने का हक रखता है तो उसमें ये अपने खुद की सेल्फ, ये चीज़ें डिपेंडेंट होनी चाहिए उसको खुद को। अगर अब मम्मी पापा को टाइम भी नहीं मिल रहा, आप खुद भी धो लीजिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इन चीज़ों पर ध्यान दें, खिलाड़ी बनना। धन्यवाद।